नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव फॉर यू में स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, तो इसको अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें चार वेदों से संबंधित उपवेद, उनका सब्जेक्ट, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र आदि सभी वैदिक साहित्यों का संकलन एक साथ किया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब शुरू करते हैं। तो हमारे वैदिक साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद, और वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। ऋग्वेद विश्व का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब देखेंगे इनके उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है सिलप वेद। अब इन उपवेद में विषय क्या है? तो आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित, धनुर्वेद में सैन्य विज्ञान जिसके अंदर शस्त्र, संहार शिक्षा, और गंधर्व वेद के अंदर संगीत, गायन, नृत्य, और सिलप वेद के अंदर वास्तु एवं अन्य कलाएं, जो भी अन्य निर्माण की कलाएं हैं वो सारी सिलप वेद के अंतर्गत आती हैं। अब देखो इन चारों वेदों का विषय क्या है? ये तो हमने उपवेद का विषय देखा था। अब देखो चारों वेदों में, ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म, सामवेद में उपासना और अथर्ववेद में विज्ञान। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशीतकी, जिसे सांख्यायन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और इनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अब देखो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। अब देखेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो पंचवीस, ताड़्य, जैमिनीय, छड़वीस और अद्भुत। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इन ग्रंथों के बारे में थोड़ी अलग से मैं डिटेल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब देखेंगे इसके आरण्यक ग्रंथ, कुल सात है आरण्यक ग्रंथ, जिसमें ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय, कौशीतकी, कौशीतकी का ही दूसरा नाम है सांख्यायन, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है तैतरेय और मैत्रायणी, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक उपनिषद, सॉरी आरण्यक,
और सामवेद से संबंधित है जैमिनीय या सांदोग्य, ये दोनों ही संबंधित है सामवेद से, जबकि अथर्ववेद का कोई आर्णिक ग्रंथ नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रे, कौशित की यानी सांख्ययन, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है तैत्रीय, कंठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी, जबकि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं ईशावाक्य या ईस और बृहदारण्यक। ये बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। अब है सामवेद से संबंधित चांदोग्य, कैन, जैमिनी और अथर्ववेद से संबंधित है प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। अब देखेंगे इनसे संबंधित स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं। स्रोत सूत्र तो देखो ऋग्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र आश्वलायन और कौशित की यानी सांख्ययन, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं आप स्तंभ, हिरण्यकेशी और बोधायन।